नमस्कार, आप देखें एनबी न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। तो पंजाब में विधानसभा चुनाव बिल्कुल अपने चरम पर है और इसका प्रचार जो है वो भी चरम पर पहुंच गया है। और चुनाव प्रचार जो चरम पर भी क्यों ना हो, आखिर 20 तारीख को वोटिंग जो होनी है, क्योंकि 20 तारीख को वोटिंग होगी और उसके बाद 10 मार्च को नतीजे आ जाएंगे और उसके लिए अब कांग्रेस पूरी तरीके से 10 मार्च को सीएम चरणजीत सिंह चन्नी को दोबारा मुख्यमंत्री बनाने का प्रण ले चुकी है। उसी के चलते अब पंजाब मंथन हो रहा है कांग्रेस का एक तरीके से देखा जाए तो, क्योंकि जिस तरीके से राहुल गांधी की बात कर ली जाए या प्रियंका गांधी की बात कर ली जाए, पंजाब में डेरा डाले हुए एक तरीके से। और उसी को लेकर आपको बता दें कि राज्य में मतदान से 3 दिन पहले आज चुनावी माहौल पूरी तरीके से गरमाया रहा है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा आज पंजाब में ही हैं और चुनाव को लेकर पूरी माहौल टाइट बनाए हुए हैं। फतेहगढ़ साहब में आज जनसभा को राहुल गांधी संबोधित करेंगे और कांग्रेस के प्रत्याशी कुलजीत सिंह नागरा के पक्ष में मतदान करने के लिए लोगों से अपील भी करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी लगातार विस्तार करती हुई नजर आ रही है पंजाब में, तो कहीं ना कहीं ये चिंता का विषय माना जा रहा है। और अगर आम आदमी पार्टी को ही कांग्रेस अपना प्रतिद्वंदी इस बार मानकर चल रही है, क्योंकि जिस तरीके से अगर बात कर ली जाए पंजाब के सियासी रण की, तो लगातार अकाली दल और कांग्रेस ने राज किया है, लेकिन इस बार कैप्टन अमरिंदर सिंह जो है वो बीजेपी के साथ मिलकर गठबंधन से चुनाव लड़ रहे हैं। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि आखिर फतेहगढ़ साहिब का जो फतेह प्लान है राहुल गांधी क्या है, क्योंकि अगर सियासी समीकरणों की बात कर ली जाए तो 2012 से और अभी तक कुलजीत सिंह नागरा के सिर पर विधायक का ताज है और 2000 वोटों से उन्होंने प्रेम सिंह चंदूमाजरा जो अकाली दल से प्रत्याशी थे उनको हरा दिया था 2012 में। तो वहीं दीदार सिंह भट्टी उस समय पीपल्स पार्टी ऑफ पंजाब से लड़े थे और 20,000 के आसपास वोट पा गए थे, 2012 का समीकरण आपको समझा रहे हैं। तो वहीं 2017 की बात कर ली जाए तो कुलजीत सिंह नागरा एक बार फिर से विधायक बने और 58,205 वोट पाए। तो वहीं अकाली दल से इस बार दीदार सिंह भट्टी ने अपनी किस्मत आजमाई और दूसरे नंबर पर रहे और 34,338 वोट अकाली दल से लड़ते हुए दीदार सिंह भट्टी ने पाए। और आम आदमी पार्टी उस बार तीसरी नंबर पर रही थी 2017 विधानसभा चुनाव में, लखबीर सिंह को 29,393 वोट मिले थे। तो वहीं अगर 2022 विधानसभा चुनाव की बात कर ली जाए तो बिल्कुल त्रिकोणीय मुकाबला बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि इस बार कुलजीत सिंह नागरा जो विधायक हैं वो मैदान में है, लेकिन दीदार सिंह भट्टी ने इस बार भी अपनी पार्टी चेंज कर ली है और इस बार वो गठबंधन से चुनाव लड़ रहे हैं पंजाब लोक कांग्रेस और बीजेपी के। साथ ही अकाली दल से जगजीत सिंह चीमा हैं और आम आदमी पार्टी से लखबीर सिंह चुनावी मैदान में हैं। और एक बार आरपी पाध्याय हमारे साथ राजनीतिक विशेषक के तौर पर जुड़ चुके हैं। आरपी पाध्याय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एनबी न्यूज पर। आरपी पाध्याय जी, किस तरीके से देखते हैं यहाँ के पंजाब के सियासी समीकरणों को, क्योंकि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से टक्कर देती हुई नजर आ रही है कांग्रेस को अगर सियासी समीकरणों की बात की जाए, तो वहीं अब कैप्टन अमरिंदर सिंह इस बार कांग्रेस के साथ नहीं है, पंजाब लोक कांग्रेस बना के बीजेपी का साथ दे रहे हैं, किस तरीके से आप इसको देखते हैं आरपी पाध्याय जी? देखिए, कैप्टन अमरिंदर का अपना एक कद था और पिछले इलेक्शन में देखा जाए उन्होंने अपने बलबूते पर सरकार बनाई थी, बिल्कुल इसे नकारा नहीं जा सकता। ये बात अलग है, कांग्रेस ने सिद्धू को लिया और सिद्धू के बारे में जो आदमी बीजेपी का नहीं हुआ, बीजेपी में थे तो कांग्रेस को भी जरूर बोलते थे, अब कांग्रेस में है तो बीजेपी को भी जरूर बोलते हैं। बिल्कुल, कि उस व्यक्ति ने कांग्रेस को कमजोर किया, पार्टी आलाकमान का क्या आकलन था वो जाने, वो उनका अपना ज्यूरिडिक्शन है, लेकिन आम आदमी में जो एक परसेप्शन है, जो एक मैसेज गया वो ठीक नहीं। जो आपस की लड़ाई है और सिद्धू अपनों की टांग खींच रहे, पहले अमरिंदर की टांग खींचते रहे, अब चंदी की टांग खींच रहे हैं, कभी कहते हैं कि भी मुख्यमंत्री का नाम घोषित करो, कभी मन से भाषण देने से ही मना कर देते हैं। आरबी पाध्याय जी, क्या इसको इस तरीके से समझा जाए कि जिस तरीके से सिद्धू चाहते हैं कि मुझे मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर दिया जाए, या जब कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटाया गया था, जब उन्होंने इस्तीफा दिया था, तो सिद्धू के मन में जो रसगुल्ले नहीं थे वो फूट रहे थे, वो चाह रहे थे कि अब तो मैं ही चेहरा बनूंगा, क्योंकि चर्चित चेहरा थे उस समय में।
लेकिन सीएम तो छोड़िए, डिप्टी सीएम तक का पद नहीं दिया गया, इतने भी वो काबिल नहीं रहे कि डिप्टी सीएम का ही पद दे दिया जाए। देखिए पीवत ये कोई नया नहीं था, आप देखेंगे बीजेपी जब छोड़ी उन्होंने तो उन्होंने आम आदमी पार्टी को भी ट्राई किया बिल्कुल, और वहां से सीएम फेस के लिए कोशिश की, लेकिन आम आदमी पार्टी ने उन्हें इस लायक नहीं माना, उन्होंने नहीं ज्वाइन किया आम आदमी पार्टी। अब कांग्रेस ने उनमें क्या देखा ये तो कांग्रेस ही बता सकती है और कांग्रेस के आलाकमान बता सकती है, लेकिन कांग्रेस का जो नुकसान हुआ है एक व्यक्ति की वजह से उसकी भरपाई नहीं की जा सकती। कैप्टन जैसा सिपाही चला जाना और चन्नी कोई भी चांद खिंचाई होना, तो ये सब मैसेज पब्लिक में है, पब्लिक कहती है ये आपस में ही लड़ते रहेंगे, अगर जीत भी गए सिद्धू जी चन्नी की टांग खींचेंगे, चन्नी जी सिद्धू की टांग खींचेंगे। उपाध्याय जी एक चीज और भी है मेरे दिल को थोड़ा सा कुरेद रही है कि जिस तरीके से कैप्टन अमरिंदर सिंह जब चले गए थे उसके बाद से विवाद जो था वो चन्नी और सिद्धू के बीच आ गया था, लेकिन सिद्धू जो है वो कहीं ना कहीं विवाद को दबाते हुए नजर आए हैं। अभी कुछ दिनों पहले सिद्धू की बेटी राबिया जब चुनाव प्रचार करती हुई नजर आई थी तो उन्होंने कहा था, वो सीधे हमलावर हुई थी चन्नी पर, उन्होंने कहा था कि जिसके खाते में 133 करोड़ रुपए हो वो आखिर कैसे गरीब हो सकता है। तो सिद्धू साहब तो फिलहाल ये दबाते हुए नजर आए, लेकिन जो शायद राबिया नहीं समझ पाए इसको कि इस बयान से क्या कुछ कांग्रेस के भीतर फूट पड़ सकती है। देखिए प्रियवर आज पोजीशन क्या है सिद्धू की, अकाली नाराज हैं, बीजेपी का रास्ता बंद है, आम आदमी पार्टी लेगा नहीं, उन्होंने जो अपना राजनीतिक कदम वो खुद ही खत्म कर लिया, और ये इलेक्शन में क्या होगा ये भी जब रिजल्ट आएंगे तब पता लगेगा, क्यों सभी हराने के जुगत में किसी भी तरीके से सिद्धू को हराए और उनके हर चैलेंज को स्वीकार किया जा रहा है, तो कई बार ऐसी राजनीति अस्तित्व का संकट भी आ जाता है। देखिए आपका कद पार्टी से बड़ा नहीं हो सकता, बिल्कुल पार्टी बड़ी होती है, पार्टी अगर आपको प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनाती तो कांग्रेस में कौन पूछता था आपको, एक ताकत दी आपको प्रदेश अध्यक्ष बनाया, एमएलए आपके साथ हुए तो वो सिद्धू के साथ नहीं हुए, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के साथ, बिल्कुल अगर प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनाया जाता तो चार एमएलए आपके साथ नहीं खड़े होते, ये जो वास्तविक सच्चाई है इनसे मुंह नहीं मोड़ना चाहिए, बिल्कुल जो हकीकत है वो हकीकत है। आज पंजाब का इलेक्शन इस बोर्ड पर खड़ा हुआ है कि बड़े बड़े गणित भी हिसाब नहीं लगा पा रहे, सही बात कि क्या होगा, बिल्कुल एक तरफ आम आदमी पार्टी, एक तरफ कांग्रेस है, एक तरफ कांग्रेस से ही निकले हुए कैप्टन अमरिंदर है बीजेपी के साथ खड़े हैं, उधर अकाली है, उधर किसानों का संगठन है, कौन किसके वोट काटेगा, कौन किधर जाएगा, कौन जीतेगा, कौन हारेगा, जो आकलन करता है वो भी असमंजस की स्थिति में कि ऊंट किस करवट बैठेगा कुछ पता नहीं। उपाध्याय जी आप बहुत वरिष्ठ हैं, आपसे एक चीज और मैं समझना चाहूंगा कि किसान जो एक नई पार्टी लेकर उभरे हैं किसान आंदोलन के बाद, तो इससे जो पंजाब की राजनीति है क्या कुछ प्रभावित होगी, क्योंकि जिस तरीके से पंजाब जो है कृषि प्रधान प्रदेश है, ज़्यादा आबादी जो है वो खेती किसानी पर पूरी तरीके से निर्भर है, तो ऐसे में किसान क्या जो बीजेपी का जो दुख दर्द था, बीजेपी के साथ जितना नाराज थे, जितना रोष था कृषि कानून को लेकर, क्या उसके बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ किसान जाएगा या किसानों का ऊंट किस करवट बैठेगा, मैं आपसे समझना चाहूंगा आरपी उपाध्याय जी। देखिए अभी ये कहना कि किसान किसके साथ जाएगा बड़ा मुश्किल है, और किसान भी असमंजस की स्थिति में है, एक तरफ बीजेपी के साथ उसकी नाराजगी थी, कैप्टन उनके एक हमदर्द थे, आज कैप्टन उस पाले में है, दूसरा जो किसान संगठन है वो खुद लड़ रहे हैं, बिल्कुल तो वो किसको वोट करेगा, किसान संगठन को करेगा या कैप्टन अमरिंदर को करेगा या कांग्रेस को करेगा,
इसका सटीक आकलन करना अभी मुश्किल है। बिल्कुल इसका पता तो जब इलेक्शन के रिजल्ट आएंगे तब आकलन होगा, तभी पता लग पाएगा कौन किसके साथ गया। देखिए आम आदमी पार्टी मजबूती से इलेक्शन लड़ रही है और अभी तक जो संभावनाएं हैं, श्योर नहीं कहा जा सकता लेकिन बढ़त बनाए हुए। लेकिन आकलन कई बार गड़बड़ा जाते हैं। जब हम दलित की बात करते हैं, जब हम दुआबा की बात करते हैं या दूसरे क्षेत्रों की बात करते हैं, वहां कौन कितना, और दूसरा भगवंत मान भी कितने लोगों ने एक्सेप्ट करेंगे मुख्यमंत्री। उनके बारे में ये है कि वो नशे में रहते हैं, पिए हुए रहते हैं, संसद में भी और वहां भी। तो क्या ऐसे व्यक्ति को पंजाब की बागडोर दी जा सकती है? तो बहुत सारे इफेन बटे हैं। नहीं, एक चीज और भी है कि पंजाब में नशे का मुद्दा जो है वो हमेशा से गरमाए रहा है, क्योंकि पड़ोस में ही पाकिस्तान है, नशे कारोबार फलता फूलता नजर आ रहा है, और अकाली दल के साथ भी शायद यही हुआ था कि नशे कारोबार पर अंकुश न लगाने के चलते सरकार चली गई थी। तो ऐसे में एक ऐसे इंसान को सीएम का चेहरा बना देना, जिस तरीके से लोग आरोप लगा रहे हैं कि वो नशे में ही रहते हैं, और एक तो भूत और ऊपर से उसके हाथ में भाला एक तरीके से। देखिए देखिए प्रियवर, वहां जो ड्रग्स का रैकेट है उसमें राजनीतिज्ञ ब्यूरोक्रेट सभी शामिल हो गए, सब बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं, पैसा कमाने का बिल्कुल एक जरिया बना दिया गया है। और इसी का परिणाम है कि पंजाब बर्बाद हो रहा है, पंजाब का युवा नशे की गिरफ्त में है और हर जगह धरिया सरेआम नशा मिलता, कहीं भी चले जाइए हर जगह अवेलेबिलिटी है। वो बॉर्डर स्टेट है, बॉर्डर से आता है, वो ऐसे ही नहीं आ जाता, वो पूरी साठगांठ वहां पर है। बिल्कुल, तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं पंजाब के मुख्य मुद्दे हैं कि किस तरीके से नशे के कारोबार से निकाला जाए पंजाब के युवा को। पहले तो आम आदमी पार्टी बात करती थी, नशे के खिलाफ बोलती भी थी, केस भी हुआ, माफी भी मांगी गई। बिल्कुल क्या हुआ, मैं समझ से परे है। देखिए जनता के जो मुद्दे हैं, मूलभूत आवश्यकताएं, इलेक्शन उन पर होना चाहिए, लेकिन एक अजीब परंपरा लोकतंत्र में हो गई है, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, वो कह रहे हैं डेराओं के नाम पर, जो डेराओं के मुखिया हैं उनके यहां शरणागत होंगे और फिर वहां से फरमान जारी होगा उसको वोट करिए। तो डेरों का एक बहुत बड़ा बात तो पंजाब में है, उसे नकारा नहीं जाता। बिल्कुल, उसी का परिणाम है कि आप देखेंगे कि अच्छे अच्छे नेता जाके चरणों में झुक जाते हैं, चाहे वो राम रहीम हो चाहे दूसरे डेरा प्रमुख हो, और जो उनके अंत भक्त हैं मानते भी हैं, जहां वो कहते हैं उस ओर वोट भी जाता है। बिल्कुल, तो बहुत सारी चीजें अभी इस बार के पंजाब के इलेक्शन में क्लियर नहीं है, कौन डेरा किसके साथ जाएगा, किसान किसके साथ जाएगा, दलित क्या जो गठबंधन है उसके साथ जाएगा, किसको वोट करेगा या चन्नी के साथ जाएगा, सब पर एक क्वेश्चन मार्क लगा हुआ। और इसीलिए सब पॉलिटिकल पार्टियां कोशिश कर रही हैं ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंचने की। लेकिन इस बार आरपी वाड्रा जी, कांग्रेस भी पूरी तरीके से आश्वस्त नहीं नजर आ रही। आज फतेहगढ़ साहिब में राहुल गांधी की जनसभा होने वाली है, और राहुल गांधी की जनसभा ऐसे समय में हो रही जब दो दिन बचे हैं इलेक्शन को, बिल्कुल पंजाब में। और यहां से अगर प्रत्याशी की बात कर ली जाए कुलजीत सिंह नागरा की, तो दो बार से लगातार विधायक हुए हैं, 2012 में भी विधायक चुने गए, 2017 में भी विधायक चुने गए, और अच्छे खासे मतों से विधायक बने हैं। लेकिन इस बार क्या ऐसा कुछ पड़ गया जरूरत कि राहुल गांधी को उनके लिए वोट मांगने आने पड़े? देखिए इस बार के नतीजे बड़े चौंकाने वाले होंगे, मैंने पहले ही कहा अच्छे अच्छे धुरंधरों की सीटें हिल जाएंगी। बिल्कुल, क्यों समीकरण बिगड़े हैं 2017 और 2022, बहुत बड़ा फर्क देखने को मिलेगा, चाहे वो दुआबा हो, चाहे वो मालवा हो, चाहे माझा हो, हर जगह आपको देखने को मिलेगा तीनों के समीकरण बिगड़े नजर आएंगे इस बार। तीनों के, क्यों कहीं कोई आश्वस्त नहीं है।
और कांग्रेस मजबूत स्थिति में थी, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है प्रीवर, उन्होंने अपने पैर में खुद कुल्हाड़ी मारी है। वो कुल्हाड़ी कैप्टन अमरिंदर सिंह के नाम की थी क्या? नहीं देखिए, चाहे वो कैप्टन अमरिंदर हो, चाहे वो सिद्धू हो, सब डैमेज ही कर रहे हैं ना कांग्रेस को। कांग्रेस को मजबूत कौन कर रहा है? हर आदमी टांग खिंचाई में लगा हुआ है। हरीश रावत आए थे प्रभारी बनके उत्तराखंड से। देखिए हरीश रावत थे, जेपी अग्रवाल साहब भी कुछ दिन थे, लेकिन हुआ क्या? हुआ वही जो राम रच रहा था। नहीं देखिए, डिसीजन मेकिंग पावर तो किसी के पास नहीं, डिसीजन किसी और को लेना था। वो तो एक मध्यस्थ की भूमिका में थे, उधर की बात इधर भी समझा देंगे और उधर की उधर समझा देंगे। बिल्कुल आरिफ अद्दा जी, आप बने रहिए, लौटेंगे आपके पास एक छोटे से ब्रेक के बाद। फिलहाल यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। तो इस बार पंजाब का जो विधानसभा का ऊंट है वो आखिर किस करवट बैठेगा, फिलहाल ये अभी बिल्कुल भी साफ नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से पंजाब में सियासत गर्मा रही है, आम आदमी पार्टी जिस तरीके से अपने पैर पसारती हुई नजर आ रही है, ये भी बड़ी बात है। क्योंकि जिस तरीके से अगर बात कर ली जाए तो कांग्रेस भी अपने आप को पूरी तरीके से, भाई सत्ता में रही है तो अब पूरे दमखम के साथ मैदान में उतरती हुई नजर आ रही, तो वहीं कांग्रेस से अलग हुए कैप्टन अमरिंदर सिंह इस बार बीजेपी के साथ हैं। ये वही कैप्टन अमरिंदर सिंह है जो बीजेपी पर तमाम आरोप लगा रहे थे कृषि कानून के दौरान, और अब उन्हीं के साथ मिल गए हैं। तो इससे एक चीज और साफ भी होती नजर आ रही कि राजनीति में भैया सब कुछ जायज है। तो इस बार पूरी तरीके से चुनावी मंच सज चुका है, 20 तारीख को वोटिंग है और 20 तारीख के बाद ये जनसभाओं का दौर थम जाएगा, नेताओं के आगमन का दौर थम जाएगा, चुनावी शोर थम जाएगा और उसके बाद नेता तो आराम करेंगे, लेकिन 10 तारीख को बात की जाए 10 मार्च की, तो एक बार फिर से यही चुनावी शोर दिखाई देगा और ढोल नगाड़ों के साथ विजय का जश्न मनाया जा रहा होगा। लेकिन ये विजय का जश्न कौन मना रहा होगा, ये ईवीएम खुलेगी तभी पता चलेगा। तो मेरे साथ इस खास बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की अहम खबरों के लिए बनी रहिए एनबी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।